नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। बात करते हैं आज कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वान न्यूमैन, जे एस किल्वी, चार्ल्स बैबेज या इनमें से कोई नहीं? इसको तो लगभग सब लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एट्रिस, इनएक, टेंडे या नोवेला? इसका आंसर होगा इनएक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से या 2000, 1995 या 1960 से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 से कंप्यूटर की क्रांति आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है या गणना करने वाला या हिसाब करने वाला? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन होगा 5 दिसंबर, 14 नवंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? इसका आंसर होगा 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है या सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहो, बायडू या वोल्फ्राम अल्फा? इसका आंसर होगा वोल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई है, ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा इस इनमें से कोई नहीं, इनपुट डिवाइस कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर होगा इनमें से इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? ऑप्शन ए 1024 या 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा 1024 बाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट या एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट जीबी कितने गीगाबाइट के बराबर होते हैं? इसका आंसर होगा 1024 एमबी के, ऑप्शन बी 1024 एमबी के। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? इसका साफ साफ आंसर होगा सिलिकॉन से बनते हैं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है या HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है,
किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? इसका आंसर होगा लोगो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक सोहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या पीडीए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कुंडा तरक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या उच्च स्तर से कुंडातरण तक, या कुंडातरण से मशीन तक? इसका आंसर होगा कुंडातरण से मशीन तक, ऑप्शन नंबर डी। चले अगला क्वेश्चन है मल्टीप्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज? इसका आंसर होगा सीडी रोम, ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थलॉजिकल या अर्थमेटिक? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक या लॉजिक, ऑप्शन डी। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? ऑप्शन ए रैम स्पेस, रजिस्टर, बाई स्पेस या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू का। चलिए अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोजेक्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।